ना विदेश से ड्राई क्लीन होता था सूट बूट, ना ही राजाओं वाले ऐशोआराम का शौक। गरीबी में पले बढ़े, गरीबों के लिए सोचते रहे, इसलिए बन गए गरीबों के प्रधानमंत्री। मोदी है तो क्यों मुमकिन है? 10 साल में कैसे बदल गई भारत के गरीबों की लाइफ स्टाइल? जो कहा वो किया मोदी सरकार ने, समय से पहले टारगेट पूरा किया। कुछ लोग कहते हैं मोदी अमीरों के बारे में नहीं गरीबों के बारे में सोचते। क्यों सोचते हैं? क्यों मोदी सरकार को गरीबों की सरकार कहा जाता है? चलिए जरा समझते हैं। मोदी सरकार आई तो सामाजिक सुरक्षा की नई उम्मीद जगाई थी। कहा गया गरीबों को छत मिलेगा, भूखों को खाना मिलेगा, खुले में शौच बंद होंगे, हर गांव बिजली से रोशन होंगे, हर घर गैस सिलेंडर होंगे ताकि धुएं से आजादी मिलेगी, और हर घर में बैंक अकाउंट होंगे। करीब 10 साल बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा, मोदी हैं तो मुमकिन है। जो कहा वो शत प्रतिशत पूरा किया, जो कहते हैं वो मोदी जरूर करते हैं। अब आप एक एक आंकड़ों के साथ समझिए कि चूल्हे से लेकर शौचालय तक, अनाज से लेकर सिलेंडर तक, रोजी रोजगार से लेकर बड़े बड़े कारोबार तक, गरीबों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की लाइफस्टाइल कैसे बदल कर रख दी। पीएम मोदी का सबसे बड़ा सपना था देश को खुले में शौच से आजादी दिलवाना। 2 अक्टूबर 2014 को खुद पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, झाड़ू उठाया और सड़कों के किनारे खुद झाड़ू लगाया। और ठीक इसी के 5 साल बाद 2 अक्टूबर 2019 को पीएम मोदी ने देश के लोगों से वादा किया कि देश के हर घर में टॉयलेट बनवाएंगे। उसके बाद हजारों ऐसे कैंपेन चले जिससे आम आदमी को ये भरोसा हो गया कि आज नहीं तो कल उनके घर में भी टॉयलेट होंगे। बीते 5 सालों में मोदी सरकार ने लोगों से 10 करोड़ शौचालय बनाने का वादा किया, लेकिन 5 साल पूरा होने से पहले ही मोदी सरकार ने इस टारगेट को पूरा कर दिया। 2014 से पहले देश के सिर्फ 3% घरों में टॉयलेट की सुविधा थी। 28 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट बताती है कि देश के 85% गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। ODF प्लस गांव का दर्जा उसे ही मिल सकता है जो खुले में शौच से मुक्त तो हो ही गया, साथ ही उस गांव में गीले और सूखे कचरे को निपटाने की पूरी व्यवस्था मौजूद हो। सरकार ने गांव में गोबर गैस से बिजली बनाने का प्लांट लगवाया। अब तक देश भर के 307 जिलों में 848 गोबर गैस प्लांट लगाए जा चुके हैं। इसी तरह पीएम मोदी ने देश के हर गांव को रोशन कर दिया, और जिन गांवों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके यहां कभी बिजली आएगी, उन गांवों में अंधेरा छट गया। मोदी सरकार ने 15 अगस्त 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का ऐलान किया। मोदी की गारंटी थी कि सिर्फ 1000 दिनों में उन गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। सरकार का दावा है कि सिर्फ 987 दिनों में देश के 6,64,000 से ज्यादा गांव बिजली से रोशन हो गए। मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना की शुरुआत की, जहां करीब 2,82,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली का कनेक्शन देने का वादा किया गया, और उन घरों में LED के बल्ब भी लगवाए गए। सरकार ने उजाला योजना की शुरुआत की, जिसमें अब तक 36,86,87,000 और 588 LED बल्ब बांटे गए। उजाला योजना की वजह से 382 करोड़ LED बल्ब की बिक्री हुई। पहले भारत की हालत ऐसी थी कि नेपाल और भूटान से बिजली खरीदनी पड़ती थी, और अब भारत नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को बिजली बेच रहा है। जहां 2015 में देश के गांव में हर दिन औसतन 12.5 घंटे बिजली रहती थी, जो 2021 में ही बढ़कर 22.5 घंटे तक पहुंच गई। और अब तो कुछ गांव ऐसे हैं जहां एक एक हफ्ते में शायद 1-2 घंटे के लिए बिजली जाती हो। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। पूरी दुनिया तब हैरान हो गई जब दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम भारत में चलाई जाने लगी। दुनिया में किसी भी देश की सरकार 80 करोड़ परिवारों को फ्री में खाना नहीं खिलाती, लेकिन मोदी सरकार ने जब लॉकडाउन के दौरान देश के हालात बिगड़े तो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का फैसला किया, तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तक के होश उड़ गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त में दी जाती है। साथ ही हर परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त में मिलता है। मोदी सरकार ने अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर दिया। साल 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने पीएम आवास का ऐलान किया, जिसका मकसद था देश भर में गरीबों को पक्का मकान देना। पीएम मोदी ने वादा किया था कि 2026 तक हर किसी के पास अपना पक्का छत होगा। इस योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक गाँव में लागू हुई और एक शहर में। योजना के तहत जो लोग फ्लैट खरीदते हैं उन्हें होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है, जबकि जो खुद से घर बनाते हैं उन्हें नकद सहायता दी जाती है। इस योजना में अधिकतम 20 साल के लिए 6 से 12 लाख रुपए तक होम लोन पर सरकार ब्याज में सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी 2.5 लाख से लेकर 2,67,000 रुपए तक हो सकती है। अगर आप खुद से घर बनाते हैं और मैदानी इलाकों में रहते हैं तो आपको 70,000 से लेकर 1,20,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, और पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहते हैं तो 75,000 से लेकर 1,30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसी तरह देश के करीब 14 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया, तो करोड़ों माओं और बेटियों को धुएं की जिंदगी से आजादी मिली।
गैस चूल्हा सिर्फ अमीरों की पहचान नहीं रहा बल्कि गरीबों के घर में भी पहुंच गया। 1 मई 2016 को पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। पहले 5 करोड़, फिर 8 करोड़ और अब 10 करोड़ गरीब परिवारों के घर में मुफ्त गैस सिलेंडर मोदी सरकार ने पहुंचा दिया। इसलिए तो इस सरकार को गरीबों की सरकार कहा जा रहा है। आप इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या 2024 में तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।